शासन के अधिकारियों ने देखी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रगति। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, IIDC आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के साथ शनिवार को हलियापुर थाना क्षेत्र के बड़ाहाट कुमासी कैंप कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया। IIDC आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी शनिवार सुबह 11 बजे की लगभग हेलीकॉप्टर से कैंपस के अंदर बने हेलीपैड पर उतरे। इस दौरान जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, SP शिवहरी मीना समेत एक्सप्रेसवे के अधिकारियों और इंजीनियरों ने इनका स्वागत किया। इसके बाद ये सभी वहीं बने सभागार में पहुंचे, जहां एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के बाद सभी अधिकारी एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल का निरीक्षण करने गए, जहां अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता देखी। सभी अधिकारी निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आए। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि पैकेज 3 एप्को द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि पैकेज 4 का निर्माण GR इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा ROB और फ्लाईओवर के निर्माण में भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जल्द चालू किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण क्वालिटी की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसके बाद सभी अधिकारी आजमगढ़ की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद जिले व प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। IIDC महोदय आलोक टंडन साहब और ACS इंडस्ट्रीज आलोक कुमार साहब के साथ में जिलाधिकारी, SSP और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिव्यू किया गया था, पैकेज 3 और पैकेज 4। पैकेज 3 APCO द्वारा बनाया जा रहा है, वो पैकेज 4 जो है GR इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात को बताने के लिए कि पैकेज 3 75-76% ऑलरेडी कर चुका है और जनवरी के अंत तक 90% पैकेज 3 पूरा कर देगा। इसके अलावा पैकेज 4 में भी काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी है, अगले 3 महीनों में 6% यानी 18% प्रोग्रेस देकर हमारा प्रयास है कि इस पूरे स्ट्रेच को, पैकेज 3 और 4 को 26 जनवरी तक हम काम शुरू कर दें, यानी ट्रैफिक मेन कैरिजवे पर शुरू कर दें। यही आज लक्ष्य था, जिसके लिए जो है सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इस सड़क को हर हालत में जनवरी तक हम ट्रैफिक थ्रू करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। APCO के पैकेज ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम किया है, GR इंफ्रा ने भी अपना काम तेज किया है, इसकी क्वालिटी भी हम चेक करा रहे हैं। और आज जहां गए थे हम लोग फ्लाईओवर के गर्डर लॉन्चेस में, तो जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ भी फ्लाईओवर या ROBs हैं उन काम को अगर हम तेज कर लेंगे तो सड़क थ्रू हो जाएगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोशिश होगी कि जनवरी के अंत तक इसको शुरू कर दें। थैंक यू।